हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पेरिकार्डाइटिस को बट बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट लेटेस्ट मेडिकल वीडियोस सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो पेरिकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस पेरी कार्डाइटिस डिसीज कंडीशन है हार्ट की बेसिकली डिसीज़ कंडीशन है हार्ट को अफेक्ट करती है सो पेरिकार्डाइटिस का मतलब क्या है सो पेरी का मीनिंग ग्रीक में होता है अराउंड कार्डियम का मतलब होता है हार्ट हमें पता ही है आई टी आई एस का मतलब है इन्फ्लामेशन सो अराउंड या फिर सराउंडिंग द हार्ट सो जो हार्ट को सराउंड किए हुए है जो लेयर हार्ट को सराउंड करती है उसके अराउंड है चारों तरफ है उसकी इंफ्लामेशन उसको कहते हैं पेरी का्डाइटिस इट मीन्स हार्ट की जो लेयर है आउटरोमोस लेयर जिसने हार्ट को सराउंड किया हुआ है वो है पेरी सो पैरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन इज पेरिकाडाइटिस सो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है द हार्ट इज सराउंडेड बाय अ सैक कॉल्ड द पेरिकार्डियम सो so हार्ट क्या है सो so ये यहां पर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है हार्ट का तो हार्ट को बेसिकली थ्री लेयर्स ने सराउंड किया हुआ है हमें पता है कि जो सबसे इनर लेयर होती है दिस वन ये क्या है सबसे इनर लेयर है जिसको बोलते हैं एंडोकार्डियम जो कि हार्ट को इनर सराउंड करती है इनर मीन्स चाहे उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनर जैसे कि वॉल्स जो इनर लाइनिंग है उसको किसने सराउंड किया हुआ है एंडोकार्डियम ने और हार्ट की जो मिडल लेयर होती है दिस वन दिस इज मायोकार्डियम मसल लेयर और हार्ट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसने हार्ट को बाहर से सराउंड किया हुआ है वो क्या है हमारी पेरिकार्डियम सो so ये जो कलर्ड मैंने ड्रॉ की है इतनी मोटी ये क्या है पेरिकार्डियम है सो so, पेरिकार्डियम क्या है एक सैक की तरह है डबल मेंब्रेन सैक की तरह है ये हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है डिसीज कंडीशन पढ़ने से पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पेरिकार्डियम का ताकि आपको ईजिली एक्सप्लेन हो जाए देन इन्फ़्लामेशन ऑफ दीज टिश्यू लेयर्स सराउंडिंग द हार्ट इज पेरिकार्डाइटिस और ये लेयर जो कि हार्ट को सराउंड किए हुए हैं दैट इज़ पेरिकार्डियम। अगर इस टिश्यू लेयर की इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से वो हम आगे कोजेस पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं पेरिकाडाइटिस सो so, पेरिकार्डाइटिस को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर नॉर्मल एनाटमी किसकी पेरिकार्डियम की सो so, पेरिकार्डियम क्या है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है सबसे बाहर वाली जो लेयर है हार्ट की जिसने हार्ट को सराउंड किया हुआ है दैट इज़ पेरिकार्डियम एंड इज मेड अप ऑफ टू सैक्स ये दो सैक से बनी है या फिर आप बोल सकते हैं दो मैमब्रेनस सैक से बनी है कैसे एक होता है आउटर सैक और एक होता है इनर सैक इसका सो आउटर सैक क्या है जो कि मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है आउटर इज फाइबरस पेरिकार्डियम फाइबरस मीन्स टफ हार्ड या फिर इन इलास्टिक तो फाइबरस पेरिकार्डियम सबसे सो सबसे पहले क्या है कि ये जो कलर्ड मैंने ड्रा की है यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह क्या है पूरी पेरिकार्डियम सो पेरिकार्डियम टू में डिवाइडेड है फर्दर टू सैक में एक आउटर सैक और एक इनर सैक सो आउटर सैक को क्या बोलते हैं फाइबरस पेरिकार्डियम और जो इनर है उसको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम सो जो आउटर फाइबरस पेरिकार्डियम है ये मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से शो की हुई है सो so, ये जितनी भी ये ग्रीन कलर से मैंने दिखाई है दिस इज आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम सो डियम सो so, ये जो रेड कलर वाली है ये दोनों रेड कलर ये जो इनसाइड भी रेड कलर है आउटसाइड भी रेड कलर है और बीच में ये ब्लू कलर की लेयर है ये दोनों रेड कलर की लेयर क्या है ये है सीरियस पेरिकार्डियम जो कि इनर लेयर है नाउ सीरियस पेरिकार्डियम फर्दर टू में डिवाइडेड है पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम सो पेराइटल पेरिकार्डियम ये जो आउटर वाली है जो कि बिल्कुल फाइब्रस पेरिकार्डियम से नीचे है सो so, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ है बिल्कुल वो क्या है पेराइटल पेरिकार्डियम सो दिस इज द आउटर सीरियस पेरिकार्डियम तो uh, क्योंकि सीरियस पेरिकार्डियम फर्दर टू में डिवाइडेड है आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विस्टरल पेरिकार्डियम सो ये जो रेड वाली है जो बिल्कुल ग्रीन के नीचे है ये क्या है आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर ये जो ब्लू के बिल्कुल उधर साइड है ब्लू के नीचे या फिर आप कह सकते हैं मायोकार्डियम के बिल्कुल ऊपर जो मायोकार्डियम के ऊपर लेयर है वो क्या है दैट इज़ विस्टरल पेरिकार्डियम जो कि इनर लेयर है विसरा का मतलब होता है ऑर्गन सो so जो ऑर्गन वाली साइड हार्ट वाली साइड जो लेयर है वो क्या है विसरल पेरिकार्डियम जो कि इनर है नाउ ये जो दोनों रेड लेयर है, दैट इज आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम अब इन दोनों के बीच में आपको ये ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है सो so, ये ब्लू कलर का क्या है ये क्या है पेरिकार्डियल स्पेस सो दोनों लेयर के बीच में पेराइटल पेरिकार्डियम विस्लर पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस या फिर पेरिकार्डियल कैविटी और इस पेरिकार्डियल स्पेस में क्या होता है पेरिकार्डियल फ्लूड सो ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये क्या है पेरिकार्डियल फ्लूड तो बिल्कुल थिन इतनी पतली सी फिल्म होती है एक पेरिकार्डियल फ्लूड की दोनों लेयर्स के बीच में नाउ ये जो सीरियस पेरिकार्डियम है सीरियस पेरिकार्डियम जो पेरिकार्डियम की इनर लेयर है है सीरियस पेरिकार्डियम ये सेल से बनी होती है, जो कि क्या इन लेट करते हैं फ्लू करते हैं और ये कौन सा फ्लूड है पेरिकार्डियल फ्लूड नाउ सबसे पहले हम आउटर जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ग्रीन कलर की उसका फंक्शन पढ़ लेते हैं क्या है ये क्या होती है टफ होती है इन इलास्टिक होती है टफ है हार्ड है इन इलास्टिक है इसलिए ये क्या करती है प्रिवेंट्स ओवर डिस्टेंशन ऑफ हार्ट अगर हार्ट जो है ओवर डिस्टेंशन हो ओवर डिस्टेंशन मतलब ओवर एक्सपेंड हो किसी वजह से फ्लूड ओवरलोड की वजह से हो सकता है ओवर एक्सपेंशन इसकी तो उसको प्रिवेंट करती है क्योंकि ये क्या हार्ट है uh, तो अगर हार्ट जो है अपने प्लेस से बाहर जाना चाहेगा तो ये उसको नहीं जाने देगी हार्ट को अपने प्लेस पर ही रखेगी और उसकी ओवर डिस्टेंशन को प्रिवेंट करेगी नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो क्या है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन ये सबसे आउटर कवरिंग है हार्ट की दैट इज़ फाइब्रस पेरिकार्डियम तो ये क्या करती है एक तो सेपरेट रखती है हार्ट को दूसरे ऑर्गन से जैसे कि लंग्स से लंग्स क्या है सबसे ज्यादा प्रॉन है इन्फेक्शन के लिए तो अगर लंग्स को इन्फेक्शन होता है तो हार्ट को भी इजिली हो सकता है लेकिन फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या करती है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है हार्ट को नेक्स्ट फिक्सेस हार्ट टू मीडियास्टिनम जो मीडियास्टिनम है हार्ट uh, को उसमें फिक्स करती है उसी प्लेस पर रखे रखती है प्लस एंड इज अडियर टू डायफ्राम बिलो नीचे से ये डायफ्राम के साथ अटैच्ड uh, है एंड स्टर्नम के साथ फ्रंट में अटैच्ड है एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ ग्रेट ब्लड वेसल्स जो ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं उनके ट्यूनिका एडवेंटिशियस में आउटर लेयर के साथ कनेक्टेड uh, है अटैच है सो so ये फंक्शन है फाइबरस पेरिकार्डियम के जो इनर सीरस पेरिकार्डियम है सीरस पेरिकार्डियम में दो आती है पेराइटल पेरिकार्डियम जो कि आउटर है एंड विस्टरल पेरिकार्डियम जो कि इनर है और इन दोनों लेयर्स के बीच में लेराइडल और विसरल के बीच में क्या है स्पेस जिसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूड है नाउ का क्या फंक्शन है प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन टू व्हेन हार्ट बीट्स इट ये लुब्रिकेशन का काम करता है जब भी हार्ट बीट करता है तो दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो गिसाव ना हो उससे पेरिकार्डियल फ्लूड प्रिवेंट करता है सो so, ये इसका फंक्शन है प्लस इसका एक और फंक्शन है पेरिकार्डियल फ्लूड का कि कोई जर के मोशन अगर कोई बाहर से ट्रोमा या फिर जर्क लगता है तो उससे भी प्रिवेंट करती है कुशनिंग का काम भी करती है सो so, ये नॉर्मल अनेटमी है हमारी पेरिकार्डियम लेयर की अब इस पेरिकार्डियम की होल पेरिकार्डियम में अगर इन टिश्यूज़ में इंफ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस नाउ इन पेरिकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है द पेरिकार्डियम बिकम रेड एंड स्वॉलन पेरिकार्डियम रेड हो जाती है स्वॉलन हो जाती है एज इंफ्लामेशन में ये रिएक्शंस होती हैं देन सम टाइम्स देयर इज एक्स्ट्रा फ्लूड इन द स्पेस कॉल्ड पेरिकार्डियल इफ्यूजन नाउ इन्फ़्मेशन की वजह से अगर पेरिकार्डाइटिस को इन्फ्लामेशन हुई है तो वहाँ से इंफ्लामेटरी एक्सुडेट्स रिलीज़ होंगे इन्फ्लामेट्री एक्सुडेट क्या है इंफ्लामेशन में जो फ्लूड रिलीज़ होता है दैट इज़ इन्फ्लामेट्री एक्सुडेट और समटाइम्स इन्फ्लामेशन में क्या होता है एक्स्ट्रा फ्लूड से हो जाता है जो कि ये पेरिकार्डियल फ्लूड जो है ये क्या है बहुत थिन फिल्म है ज़्यादा फ्लूड नहीं है बहुत माइनर सा है लेकिन इन्फ्लामेशन की वजह से ये फ्लूड ओवर हो सकता है एक्स्ट्रा हो सकता है जिसको क्या बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन और अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया मीन्स फ्लूड का ओवरलोड हो गया यहाँ पे फ्लूड एक्स्ट्रा हो गया पेरिकार्डियल स्पेस में तो ये जो फ्लूड है वो हार्ट पर फोर्स डालेगा कंप्रेशन डालेगा कॉन्स्ट्रक्टिव बनाएगा हार्ट को तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशन uh, हो सकती हैं नेक्स्ट इज इन्फ्लामेटरी एग्जुडेट कैन बी नाउ इन्फ्लामेटरी एग्जुडेट जो कि इन्फ्लेमेशन के कारण रिलीज होता है वो कैसा हो सकता है सीरम हो सकता है दैट इज सीरस पस फॉर्मेशन वाला हो सकता है दैट इज़ प्यूरुलेंट क्लोटिंग प्रोटीन्स हो सकते हैं उसमें दैट इज़ फाइब्रीनियस एंड ब्लड भी हो सकता है उसमें दैट इज सेंग्विनस नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस सो पेरिकार्डाइटिस बेसिकली थ्री टाइप्स के हैं फर्स्ट इज एक्यूट पेरिकार्डाइटिस सेकेंड इज रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस एंड थर्ड इज क्रॉनिक कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस सो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस क्या होता है एक्यूट डेवलप सडनली सो एक्यूट कंडीशन हमें पता है सडनली डेवलप होती है एंड में लास्ट अप टू सम मंथ्स एंड कुछ मंथ्स के लिए रह सकती है बट यूजली क्लियर अप्स आफ्टर थ्री वीक्स बट थ्री वीक्स के बाद ये यूजली क्लियर अप हो जाती है बट सम मंथ्स के लिए किन किन्नी केसेस में ये रह सकता है फ्यूचर एपिसोडस कैन अकर और एक बार ये क्लियर अप हो गया ठीक हो गया उसके बाद फ्यूचर एपिसोड मीन्स रिकरंट भी ये या फिर रीअकर ये हो सकती है नेक्स्ट इज रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस सो रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस क्या होता है अकर्स अबाउट फोर टू सिक्स वीक्स आफ्टर एन एपिसोड ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस सो एक बार आपको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हुआ उसके फोर टू सिक्स वीक्स तक आपको कोई सिम्टम शो नहीं हुए विद इन दैट टाइम पीरियड लेकिन फोर टू सिक्स वीक्स के बाद आपको दोबारा से सिम्टम शो होने लगे इट मीन्स आपकी जो पेरिकार्डाइटिस है वो रीअकर हुई दैट इज रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस मीन्स एक बार हो गया और दोबारा से पेरिकार्डाइटिस होना इज रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस

क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी थिकनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम सो ये क्या है स्लोली स्लोली डेवलप होता है प्लस ज्यादा टाइम तक रहता है तो उससे क्या होता है इन्फ्लामेशन की वजह से क्रॉनिक इंफ्लामेशन पेरिकार्डियम की क्रॉनिक इंफ्लामेशन की वजह से जो पेरिकार्डियम है उसमें स्कारिंग हो जाती है और वो थिक हो जाती है सो दिस इज बेसिकली थिकनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम तो ये बात आपको याद रखनी है क्रॉनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में थिकनिंग हो जाती है पेरिकार्डियम की और ये थ्री मंथ से ज़्यादा रहता है कंप्रेसेस द हार्ट अब थिकनिंग हो गई पेरिकार्डियम की तो वो क्या करेगी कंप्रेस करेगी हार्ट को इसलिए इसको कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस कहते हैं कैसे सो इट इज अनेबल टू फील नॉर्मली ड्यूरिंग डायस्टोल तो जब हार्ट डायस्ट्रोल फेस में होता है इट मीन्स जब वो रिलैक्स करता है जब उसमें ब्लड फील होता है तो जब वो रिलैक्स करता है तो वो क्या है अभी इलास्टिक है इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होगा देन रिलैक्स होगा सो so, पेरिकार्डियम की हार्डनिंग की वजह से क्या होता है कि हार्ट पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है प्लस इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है इट मीन्स जो पेरिकार्डियम है वो स्कारिंग होगी है हार्डनिंग होगी जिससे जब हार्ट रिलैक्स होता है ड्यूरिंग डायस्ट्रॉन उसमें अच्छे से ब्लड फ़िल नहीं हो पाता क्योंकि वो फुली एक्सपेंड नहीं हो पाता जिससे कि ब्लड उसमें फील हो जाए इसलिए कम ब्लड उसमें फील होता है और नॉर्मली जितना उसमें ब्लड फील होता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन या फिर ड्यूरिंग डायस्ट्रोल उतना फील नहीं हो पाएगा तो दैट इज क्रॉनिक कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस सो कॉजेस ऑफ पेरिकार्डाइटिस सो क्या क्या कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं पेरिकार्डाइटिस के सो फर्स्ट इज इडियोपैथिक इडियोपैथिक मीन्स विद अननोन रीजन सो कई बार रीजन या फिर कॉज नहीं पता होता कि पेरिकार्डाइटिस किस वजह से हुआ है तो एग्जैक्ट कॉज जब नहीं पता लगता तो उसको बोलते हैं एडियोपैथिक नेक्स्ट इज़ इन्फेक्शन सो हमें पता है इन्फ्लामेशन का प्राइमरी जो रीज़न होता है कॉज होता है वो क्या होता है इन्फेक्शंस सो इसमें जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है वायरल इन्फेक्शन यूजली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया एच आई वी कॉक्से वायरस और जैसे कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टेन वायरसेज होते हैं उनकी वजह से पेरिकाडाइटिस होता है और रेयरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्टेप्टोकोकाई स्टिफाइलो कोकाई एंड गोनोकोकाई या फिर फंगल इन्फेक्शन भी रेयरली है जैसे कि माइको नेक्स्ट हमारा आता है ऑटो इम्यून नाउ ऑटो इम्यून क्या होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जो बॉडी के हमारे ओन एंटीबॉडीज है वो हमारे बॉडी के हेल्दी टिश्यूज को ही अटैक करने लग जाते हैं इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन से हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू को बेसिकली अटैक करते हैं सो कनेक्टिव टिश्यू को जो अटैक करते हैं दीज आर सिस्टमिक ल्यूपस एरिदेमेटोसिस या फिर सिंपली इसको हम ल्यूपस भी बोलते हैं सो so, इसमें क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू ब्रेन के हार्ट के उस पर ये अटैक करता है दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नेक्स्ट इज न्यूमिटॉयड अर्थराइटिस सो न्यूमिटॉयड अर्थराइटिस भी हमने प्रीवियस वीडियोज में स्टडी किया है इसमें क्या होता है ये भी कनेक्टिव टिश्यू को ही अफेक्ट करता है पहले थ्रोट या फिर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है एंड देन ये हार्ट के भी कनेक्टिव को करता है scleroderma. So scleroderma क्या है है नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्लेरोडर्मा सो क्या ये हमारे स्किन और कनेक्टिव का डिसऑर्डर नाउ या फिर कोई इंजरी so, सो को, जो एक्चुअल इंजरी होती है जैसे कि या फिर कोई और की वजह से भी ट्रोमा हो सकता है सो so, इसमें फर्स्ट आता है हमारा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन अगर कोई प्रीवियस हार्ट अटैक है या फिर प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है तो वो इंजरी कोर्स कर सकता है हमारी पे पेरिकार्डियम लेर को तो इससे पेरिकार्डियम अफेक्ट हो सकती है एंड पेरी हो सकता है नेक्स्ट इज़ हार्ट सर्जरी कोई हार्ट सर्जरी या फिर पोस्ट ऑपरेटिवली हार्ट सर्जरी में हार्ट सर्जरी के बाद पेरीकार्डाइटिस हो सकता है एंड चेस्ट सर्जरी कोई चेस्ट सर्जरी हुई है कोई चेस्ट पे इंजरी हुई है जैसे कि कार एक्सीडेंट या फिर कोई फुल ब्लॉन हुआ है प्रेशर ज़्यादा पड़ा है कोई चेस्ट पर तो उससे भी इंजरी हो सकती है कार्डाइटिस हो सकता है पेरिकार्डाइटिस नेक्स्ट इज कार्डिय कैथेटराइजेशन कैथेटराइजेशन जो कि कार्डिय कैथेटराइजेशन कॉमनली ये प्रोसीजर्स होते हैं हार्ट के लिए इससे भी इंजरी हो सकती है ट्रामा हो सकता है नेक्स्ट इज पेस मेकर इम्प्लानशन पेस मेकर इम्प्लानशन के वक्त भी पेरिकार्डाइटिस कोई ट्रामा की वजह से हो सकता है नेक्स्ट इज ट्यूमर और कैंसर अगर कोई आ, कहीं भी हमारे हार्ट के आसपास या फिर कोई ब्लड ट्यूमर या फिर कैंसर हुआ है तो वो मेटासटाइसिस हो सकता है मेटास्टास मतलब स्प्रेड हो सकता है हार्ट में भी आ, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर से लंग कैंसर से और ल्यूकेमिया सो दीज कैंसर कैन ऑल्सो कोस पेरिकार्डाइटिस ऑल्सो ये जो सर्जरीज हैं पेस मेकर इम्प्लांटेशन है कैथेटराइजेशन है ये इन्फेक्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं सो so अगर एसेप्टिक टेक्निक्स नहीं फॉलो हुई तो इन्फेक्शन का रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है नेक्स्ट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट्स हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट्स जैसे कि जिसमें बॉडी हमारा हाइपर इम्यून रिएक्शन शो करती है जैसे कि इम्यून रिएक्शंस मेडिकेशन रिएक्शन कुछ मेडिकेशंस के लिए कुछ इम्यून रिएक्शंस हो जाती हैं हाइपर इम्यून रिएक्शंस जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन है आइसोनीजर्ड उसके अगेंस्ट हो जाती है एंटी हाइपर टेंसिव हार्ट फेलियर के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं या फिर एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिकली जो पेनिसिन हैं उनसे हाइपर इम्यून रिएक्शन हो सकती हैं एंटी एरिदमिक मेडिसिन से हो सकती हैं एंटी सीजर मेडिसिन से सो इन मेडिसिन से भी हाइपर इम्यून रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट की वजह से पेरिकार्डाइटिस होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट इज ट्यूबोक्लोसिस नाउ ट्यूबोक्लोसिस भी एक इंपॉर्टेंट कोस है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें पेरिकार्डाइटिस हो सकता है नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक डिसीज़ कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि यूरीमिया सो so, यूरीमिया क्यों होता है अगर किडनी फेलियर है सपोज़ किडनी फेलियर है तो किडनी क्या कर रही है ब्लड को फिल्टर करती है बट किडनी फेलियर में जो किडनीज हैं वो ब्लड में से वेस्ट को नहीं निकाल निकाल पाएंगी तो उसे यूरीमिया की कंडीशन हो सकती है जिससे क्या होता है कि पेरिकार्डाइटिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं हाइपोथाइरडिज्म में भी हो सकता है या फिर रेडिएशन थेरेपी तो अगर रेडिएशन थेरेपी देते तो उससे भी चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं पेरिकार्डाइटिस के सो नेक्स्ट इज़ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ़ पेरिकार्डाइटिस सो पेरिकार्डाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है कैसे कैसे ये डिसीज कॉज होती है सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स जो भी हमने कोजेज़ पीछे पड़े हैं उनकी वजह से क्या होता है फ्लूड विद इन द पेरिकार्डियम या तो पेरिकार्डियम लेयर्स के अंदर फ्लूड एक्स्ट्रा हो जाएगा फ्लूड फिल हो जाएगा जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट इज़ पेरिकार्डियम इफ्यूजन सो उसमें क्या हो रहा था कि इन्फ्लामेटरी एक्जोडेट का लेवल इंक्रीज़ हो रहा था जिसकी वजह से जो पेरिकार्डियल फ्लूड है इंक्रीज हो रहा था एंड हार्डनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम हार्डनिंग ऑफ पेरिकार्डियम या फिर थिकनिंग या फिर आप बोल सकते हैं कि स्कारिंग ऑफ पेरिकार्डियम ये क्यों हो रहा था रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ पेरिकार्डियम जब हो रहे थे या फिर हमने पढ़ा था क्रॉनिक कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस जिसमें स्लोली स्लोली पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो रही थी उसमें क्या हो रहा था पेरिकार्डियम थिक हो रही थी और हार्ड हो रही थी ना हार्डनिंग होने से क्या होगी वो इन इलास्टिक हो जाएगी इससे क्या फर्क पड़ेगा पुट्स प्रेशर ऑन द हार्ट हार्ट पर क्या पड़ेगा एक तो फ्लूड के कारण प्रेशर पड़ेगा प्लस हार्डनिंग हो गई है तो हार्ट जब रिलैक्स होगा तो उसमें ब्लड अच्छे से फिल नहीं हो पाएगा

रिलैक्स नहीं हो पाएगा प्रॉपरली एंड उसमें ब्लड प्रॉपरली फील नहीं होगा उसकी जो फीलिंग कैपेसिटी है वो प्रिवेंट हो गई है ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है लेस ब्लड लीव्स अ हार्ट अगर हार्ट में कंप्लीटली ब्लड फील नहीं हो पाया प्रॉपर ब्लड फ़िल नहीं हो पाएगा तो उतना ही ब्लड निकलेगा जितना हार्ट में फील हुआ है इट मीन्स लेस ब्लड हार्ट से निकलेगा सो लेस ब्लड लीव्स अ हार्ट टू लिटल ऑक्सीजन रीचेज द टिश्यू अब जितना ब्लड निकला है हार्ट से उतना ही टिश्यूज़ के पास जाएगा तो टिश्यूज़ के पास ब्लड कम गया इट मीन्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिय कम गए जिसकी वजह से क्या होगा हार्ट बीट फास्टर होगी हमारी ब्लड uh, प्रेशर में रैपिड फॉल आएगा फास्टर ब्रीदिंग ब्रीदिंग फास्टर होगी फीलिंग ऑफ पैनिक पैनिक फील करेगा पर्सन नेक वेन्स उसकी स्वॉलन हो जाएगी तो ये क्या है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है इससे क्या होगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस सडन लॉस हो जाएगी कॉन्शियसनेस एंड सडन डेथ कोर्स हो सकती है सो दिस इज अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेरिकार्डाइटिस So this is the part 1 of pericarditis for part 2 of pericarditis you can check the link in description box and if you understood this video please like subscribe and share my channel thank you for watching